बैठने में ही बुढ़ेरा गांव की एक लड़की बिल्कुल ठीक होके चली गई। अब ये पता नहीं मुझे आती है कि नहीं आती है, क्योंकि ठीक होने के बाद आदमी कम आता है ना, ठीक हो जाता है फिर वो कई साल बाद आता है, अगर कण मात्र भी रह जाता है वो कण मात्र जोर करता है इकट्ठा करके तब कई साल बाद वो आता है, ठीक है ना। तो शनिदेव महाराज तो उन्नति करने आए, अवनति करने आए नहीं, ठीक है ना। कई बार हमें, क्योंकि आप रहते हैं तो गुस्सा तो दुनिया में सबको आता है, ठीक है, ऐसा कोई भाग्यवान है जो गुस्से से बाहर है, क्रोध आता है जाता है नुकसान कराने के अलावा और कुछ करता नहीं है। तो आप आए हैं ना, तो आप आए हैं, जब यहाँ आते हैं तो सेवा करें कुछ ना कुछ जरूर। आपको रास्ते में कंकड़ मिले, पत्थर मिले, उसको ड्रम में डाल दो, वहां एक ट्रैक्टर की ट्राली खड़ी है उसमें कूड़ा कबाड़ा डाल रहे हैं उसमें डाल दो, किसी की चप्पले मत पहनो, मजबूरी में पहननी पड़ गई है, आप पहन के चले गए बाथरूम में, वो आदमी ढूंढता फिर गया सारे, ठीक है ना। फिर या तो ये डिक्लेयर कर दो कि आप चप्पल चोर नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर यहाँ पड़ी रह जाती है तीन तीन चार चार वो चप्पलें, अपनी ही पहनो, अपनी नहीं मिल रही है तो पहनो ही मत उस टाइम चप्पलें, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है ना। कहीं नहीं जा रही, जा कहीं नहीं रही, कोई चप्पलें चोरने नहीं आता है, जो चोरने आता है उसकी छोटी सोच है कि मैं चप्पलें ही चोर में गया हुआ हूँ। वैसे अभी यहाँ कोई ऐसा ग्रोह नहीं आता है जैसा वहां छावला में आया करता था चप्पल चोर का, क्योंकि यहाँ मुस्तैदी बहुत ज्यादा है, पहले से ज्यादा सेवक भी है, पहले से ज्यादा गार्ड भी है और सब तरह के लोग हैं जो आपकी सेवा में संलग्न हुए हैं। लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम किसी को अनावश्यक रूप से परेशान ना करें, उल्टा परेशानी से उभरने के लिए हम आए, किससे उभरने के लिए आए, एक दूसरा, यहाँ का कोई बंधन नहीं है। आप आठ बार आते हैं, आठ बार के बाद ही चीजों का पता चलता है कि आपको कितनी ताकतवर चीज है। मैं मानता हूं 80% लोग ठीक होंगे ही होंगे, हर हाल में ठीक होंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं कम है, किसी की बहुत भारी समस्या होती है 16 साल से चली आ रही है, लेकिन वो यहाँ के ठीक हो गए, अब उसका एक भाग्य अलग है क्योंकि उसके समय आ गया था ठीक होने का। अब जो लोग जिनको पुरानी समस्या है, गहन समस्या है, करने वाला है, उन लोगों को ठहरना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी भी आपने देखा है, मैं कम से कम कुछ भी नहीं तो जो लोग यहाँ ठहरे हुए थे ना, मैं उनसे बात करता हूँ, मेरे पास दो ही केस ऐसे आए जिन्होंने कहा हमें कम आराम लगे, एक ने कहा मुझे आराम नहीं लगा आज तक। तो ऐसा हो सकता है उसको मेरा ना हो, क्योंकि मैंने उसको कई बार हथौड़ी से भी, अपने सारे उससे भी, और होगा भी तो हो सकता है उसकी इतनी गहरी पैठ हो कई बार में जाके निकले। तो आपने ना तो जिद करनी है ना वो करनी है, सबका एक बार में समस्या हल नहीं होती। एक बात याद रखे कि आदमी को बुखार चढ़ता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर 5 दिन की दवाई देता है, पहली खुराक में बहुतों का बुखार ठीक हो जाता है, लगभग 40% लोग एक ही खुराक में ठीक हो जाते हैं, वो दूसरी तीसरी खुराक भी ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो खुराक लेनी बंद कर देते हैं, दवाइयां उसके घर में कहां पड़ी रह जाती हैं उसको पता ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत लंबे समय तक फिर उसी बुखार में उसी कष्ट में रहना पड़ता है, किसी किसी को 6 महीने, किसी किसी को 8 महीने, रोग किसी भी तरह का हमारा हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रोगों से परहेज से निपटा जा सकता है। हमारा जो परहेज है वो हमें रोगों से उबार लेता है, क्या कर लेता है, उबार लेता है परहेज, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आपके मूल जो ग्रंथ है वेदों में उक्ति लिखी हुई है कि दुनिया में अगर कोई रोग है तो उसका निदान भी जरूर है आयुर्वेद में, किसमें, आयुर्वेद में, कोई भी रोग हो। आप ये समझिए कि अब ये डॉक्टर कहते हैं एलोपैथी के कि भाई ये ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, पहले कौन करता था भाई ऑपरेशन, पहले भी तो कोई चिकित्सक होगा, सुषेण वैद्य जैसे वैद्य होंगे कि नहीं, कि किसको कोमा से बाहर निकाल के ले आए, लक्ष्मण जी को कोमा से बाहर निकाल के ले आए। मूर्छित का मतलब क्या होता है, कोमा, ठीक है। आज भी जितने लोग मूर्छित होते हैं वे कोमा में होते हैं, कोमा से, मैं ये बताता हूँ, अभी भी 3-4% लोग बाहर आ जाते हैं, बाकी सारे कोमा में ही रह जाते हैं, कई कई साल कोमा में रह जाते हैं। लेकिन ये जो कोमा की स्थिति है, जो कई कई साल कोमा में रहने की स्थिति है, ये डॉक्टरों ने ऐसा कर दिया कि नहीं भाई इनके मुंह पे तो ये लगेगा, जबकि वो कोमा में रहेंगे उनके मुंह पे कुछ लगे या ना लगे, उनको ठंडी जगह रखोगे आप, वे कोमा में ही रहेंगे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं डॉक्टर का वेंटिलेटर ही उसमें लगे रहे, ठीक है, आ गया, और उस कोमा में ही हम भगवान का वो सुनाया करते थे। ये तो डॉक्टरों की केवल पैसे खाने की टेक्निक बन गई, क्या बन गई है,
तकनीक बन गई। अब लक्ष्मण जी को कोमा में वो थोड़े ना लगाया हुआ था, वेंटिलेटर थोड़े ना लगाया हुआ था, तो कोई तो पत्ती होगी। जब इतने सारे लोग युद्ध में काटे जाते होंगे तब कोई तो चिकित्सा होगी, कोई तो ऐसी मरहम होगी जो हमारे आयुर्वेद में होगी जिससे अचानक खून रुक जाए, जैसे ये पोविडिंग का इस्तेमाल करते, कुछ तो रहा होगा। अब आप खोज करें या ना करें, ठीक है, हल्दी से, एक हल्दी से, एंटीबायोटिक से आप बहुत सारे रोगों का उपचार करते हैं। आज भी उसी हल्दी से मैं बता रहा हूँ हजारों प्रकार की ट्यूबें क्रीमें बनती है, आपके चेहरे को साफ करने के लिए, आपके फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए, आपकी खाज खुजली को ठीक करने के लिए। उल्टा उल्टा आप हल्दी ही खाए चले जाएंगे ना, सूखी हल्दी खानी चालू कर देंगे तो भी मैं बता रहा हूँ आपको लाभ ही लाभ होगा, तब आपका प्रेत समझ जाएगा, ठीक है, उसकी आय हो जाएंगे, वो आपको कुछ नहीं कहने, ठीक है, उसको हल्दी खाने को मिलती है। आपने देखा नहीं जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वो कड़वा ही कड़वा देता रहता है, आपके शरीर को कड़वा कर देता है, तब प्रेत अपना बल छोड़ देता है, उसको खुराक मिल जाती है और वो खुराक खाता रहता है, आपको आराम मिल जाता है। आज तक कभी किसी ने रिसर्च ही नहीं किया जिनको प्रेत बाधा है, पितृ बाधा से जो दोष है, रोग है, वे आखिरकार डॉक्टर के यहाँ जाने पर शांत क्यों हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है शांत क्यों हो जाते हैं, भाई कैसे पता चलेगा, किसी ने खोज ही नहीं किए और होते हैं, ये हमने करके दिखा दिया। मतलब जब डॉक्टरों से एलोपैथी के आपका सर्वाइकल ठीक नहीं हो रहा, माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा, डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा और दुनिया भर की बीमारियां बताते जा रहे हैं, फिर बता देते हैं तुम्हें सीजियोफ्रेनिया है, भ्रम है तुम्हें, तुम्हें केवल ऐसा मन में बस गया है कि तुम्हें दर्द है नहीं कहीं आगे ना समझ में, इसी तरह बहुत सारी भ्रम रूपी बीमारियां उन्होंने निकाल दी है। जब चीज चली जाती है तो वो भ्रम भी खत्म हो जाते हैं, ये निगेटिविटी है। और वो पांच प्रकार की होती है, कुपित वायु, कुपित वायु में आपको नजर लगना, दोष लगना, ये सब है। तो किसी माता बहन का कोई अगर अपमान भी कर देता है तो उसको हमें बताना है, क्या करना है, मनु भैया को बताना है, तब तो कोई भी बात तभी समझ सकती है ना जब आप बताएंगे, मुझे पता थोड़े ना, पूरा दिन कोई काम करता है, हमारे गौतम भैया पूरा दिन काम करते हैं लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है, तो मैं तो उसको ये कहता हूँ तब बैठ के अंदर आराम करो, ठीक है कि नहीं, क्या करो, आराम करो, लेकिन जिससे भी बोलो मीठा बोलो, जरूरी नहीं है कोई तुम्हें रेस्ट करने से नहीं रोक सकता, अगर तुम थक गए हो तो रेस्ट करो, नहीं अंदर बैठ के रेस्ट करो, हम रोज ही तो बताते हैं, एक दिन नहीं भी बताएंगे तो क्या होगा, लेकिन भैया को किट को गुस्सा आ जाता है, भाई रोज ही तो बताते हैं, रोज आप एक काम करते करते आप भी थक जाते हो, ठीक है कि नहीं, नहीं नहीं थकते, किसी को गुस्सा दिलाना हो आप एक बात को रिपीट करे जाओ, एक बच्चा ही अपनी माँ को गुस्सा दिला देता है कि चीज मांगे चला जाता है, अनार चाहिए, अनार चाहिए, आधी रात का समय होता है वो अनार तो मिलता नहीं, थप्पड़ मिलते हैं, है ना, अनार चाहिए, अब फिर भी आप रोने लग जाते हो, बिगड़ जाते हो, तो फिर माँ बाप चल देते हैं रात को गाड़ी उठा के, कुछ उठा के लो भाई कहीं अनार ही मिल जाए, उसको लेके घूमते भाई देख अनार है कहीं, अगर नहीं मिल रहा कुछ और मिले यार, देखो खिलौनों की दुकान खुल रही है खिलौना ले, तब वो खिलौना में बरस जाता है ना। तो इस तरह से किसी को भी अपना धैर्य अपन नहीं खोना, ये धाम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, मैं बाहर वालों के लिए बता रहा हूँ, आपने कोई अपना आपा नहीं खोलना खोना, आप ठीक होने के लिए आए हो। मेरे साथ साधना में 53 लोग हैं, 60 लोग करीब, 60 से ज्यादा लोग थे, कुछ लोग 3 दिन का समझ के आए थे क्योंकि हमने पहले 3 या 5 दिन की साधना की थी, बस उतना ही समझ के आए थे, लेकिन हमारी 11 दिन